जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है एकीकृत सुरक्षा प्रणाली एवं आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का संचालन जो रेलवे में किया जा रहा है, खासकर RPF के द्वारा। कहता है ISS इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एंड हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न गैजेट के बारे में। ये हम लोग RPF में जो अभी उपयोग हो रहा है आधुनिक सुरक्षा उपकरण, कहता है ISS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है इसमें से, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है ISS का फुल फॉर्म। कहता है एकीकृत सुरक्षा प्रणाली डिजाइन के मामले में डिजाइन विधि में विभिन्न तकनीकी और भौतिक तत्वों के साथ कार्मिकों और प्रक्रियाओं को एकीकृत प्रणाली में शामिल करना और उनका चयन करना शामिल है। एकीकृत प्रणाली में कहता है कि एकीकृत सुरक्षा प्रणाली डिजाइन के मामले में डिजाइन विधि में विभिन्न तकनीकी और भौतिक तत्वों के साथ कार्मिकों और प्रक्रियाओं को एकीकृत प्रणाली में शामिल करना और उनका चयन करना शामिल है, जो पहचानी गई परिसंपत्तियों की सुरक्षा करता है ये, और पहचाने गए खतरे के आधार पर कमजोरियों को कम या समाप्त करके जोखिमों को नियंत्रित करता है। ये एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का यही कार्य है। अब देखते हैं ISS में शामिल क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। CCTV रहता है, BDDS रहता है शामिल, एक्सेस कंट्रोल कहता है एक सुरक्षा तकनीक है, ये एक्सेस कंट्रोल एक सुरक्षा तकनीक है जो नियंत्रित करती है कि कंप्यूटिंग वातावरण में संसाधनों को कौन उपयोग कर सकता है। कहता है एक्सेस कंट्रोल एक सुरक्षा तकनीक है जो नियंत्रित करती है कि कंप्यूटिंग वातावरण में संसाधन को कौन उपयोग कर सकता है। अब आते हैं CCTV, कहता है CCTV इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। कहता है क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV का फुल फॉर्म है। अब CCTV को देखते हैं, कहता है CCTV एक TV प्रणाली है जिसमें सिग्नल सार्वजनिक रूप से विपरीत नहीं किए जाते हैं। CCTV एक TV प्रणाली है जिसमें सिग्नल सार्वजनिक रूप से विपरीत नहीं किए जाते हैं बल्कि निगरानी की जाती है। मुख्य रूप से यह निगरानी और सुरक्षा उद्देश्य के लिए है। मुख्य रूप से यह CCTV जो है निगरानी और सुरक्षा उद्देश्य के लिए है। ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा, अगर CCTV किसके लिए है तो निगरानी और सुरक्षा उद्देश्य के लिए है विशेष रूप से। ये सब पॉइंट जो छोटा छोटा है आप खुद ही जो है इंपॉर्टेंट, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। अब है अगला BDDS, कहता है इसका फुल फॉर्म, BDDS का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है फिर भी इंपॉर्टेंट है। कहता है बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, BDDS का फुल फॉर्म बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। कहता है बम दस्ता सभी प्रकार के विस्फोटक उपकरणों तक पहुंचने, बम दस्ता का क्या कार्य है। कहता है बम दस्ता जो है सभी प्रकार के विस्फोटक उपकरणों तक पहुंचने निरीक्षण करने निष्क्रिय करने और या हटाने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग करता है। कौन करता है, बम दस्ता जो है इसका उपयोग करता है। अगला है कि विस्फोटकों का पता लगाने को दो प्रौद्योगिकियों में विभाजित किया गया है। सीधी सी बात है, विस्फोटक का पता लगाने में जो है ना दो प्रौद्योगिकियों में विभाजित इसको किया गया है। पहला है बल्क, दूसरा है ट्रेस। ये दोनों याद रखिएगा आप, ऐसे भी हो सकता है कि विस्फोटक का पता लगाने का जो है ना कितने प्रकार में विभाजित किया गया है ये पूछ दे तो ये दो प्रकार का हो जाता है, एक बल्क दूसरा ट्रेस। अगला है DVR, DVR कहता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसका फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। कहता है यह एक उपकरण है जो एनालॉग कैमरे से सिग्नल
को देखने योग्य डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है, जिसे हार्ड ड्राइव पर संग्रहित किया जाता है। अब है इसी में NVR कहता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। NVR का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ये सब जो आपको बताया जा रहा है, ये ना समझे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपको हर एक जगह से जो मटेरियल है वो आपको याद करके ही जाना है, ताकि आपको एग्जाम के समय किसी भी तरह का अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सही सही जवाब, सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये ना समझें कि ये इम्पोर्टेंट कम है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एग्जाम के लिहाज से आपका हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप आधे मन से तैयारी मत कीजिए, आप लोग आधे मन से तैयारी मत कीजिए। जब भी तैयारी कीजिए, इस उद्देश्य से कीजिए कि हमको हर हाल में सफल होना है, और आपका अगर ये जिद रहेगा तो आपको सफलता में जो है काफी सहायता मिलेगा। अगला फुल फॉर्म देखते हैं लेन का, LAN, लेन। लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। कहता है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कार्यालय, स्कूल, हवाई अड्डा, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन जो होता है प्लेटफॉर्म, भवन, छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। अब अगला है वान, वाइड एरिया नेटवर्क। कहता है वाइड एरिया नेटवर्क वह तकनीक है जो आपके कार्यालय, डेटा केंद्रों, क्लाउड एप्लीकेशन और क्लाउड स्टोरेज को एक साथ जोड़ती है। वाइड एरिया नेटवर्क वह तकनीक है जो आपके कार्यालयों, डेटा केंद्रों, क्लाउड एप्लीकेशन और क्लाउड स्टोरेज को एक साथ जोड़ती है। इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यह एक इमारत या बड़े परिसर से आगे बढ़कर, इमारत या परिसरों से आगे बढ़कर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैले कई स्थानों को शामिल करता है, क्योंकि यह एक बड़े परिसर से आगे बढ़कर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या यहाँ तक कि पूरी दुनिया को, दुनिया में फैले कई स्थानों को शामिल करता है ये वान। अब मेन का फुल फॉर्म देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहता है यह नेटवर्क एक देश या पूरे विश्व में हो सकता है। यह नेटवर्क एक देश या पूरे विश्व में हो सकता है क्योंकि यह एक बड़े भूभाग को कवर करता है। मेन जो है पूरे भूभाग को कवर करता है। अगला है VSM, वेगेज स्कैनिंग मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। कहता है वेगेज स्कैनर खतरे का पता लगाने और सामग्री के लक्षण वर्णन में सहायता करके रेलवे प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डे आदि की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेगेज स्कैनिंग मशीन जो कहता है कि वेगेज स्कैनर खतरे का पता लगाता है और सामग्री के लक्षण, कौन कौन सा सामग्री और क्या क्या लक्षण है, उसमें सहायता करके प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डे आदि की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? BSM, बैगेज स्कैनिंग मशीन। अगला है UVSS, अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम, ये UVSS फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कहता है यह उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा है जो संभावित छिपे खतरों, या उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा है जो संभावित छिपे खतरों या तस्करी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुजरने वाले वाहनों, जो गाड़ी होती है, वाहनों के अंदर कैरी जो सामान रहता है वाहनों के अंदर को स्कैन करता है। कौन? UVSS, अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम। HHMD, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, जो हम लोग हाथ में लेके किसी के शरीर को चेक करते हैं, मेटल के, उसके शरीर में क्या मेटल है नहीं है, वो जो सुरक्षा पोस्ट पे जो होता है,
कहता है यह एक हाथ से पकड़ी जाने वाली मेटल डिटेक्टर है। इसमें दो प्राथमिक घटक होते हैं, एक ट्रांसमीटर कॉइल जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और एक रिसीवर कॉइल जो विद्युत चुंबकीय का पता लगाता है। एक जो होता है वो ट्रांसमीटर कॉइल जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और दूसरा है रिसीवर जो कॉइल जो विद्युत चुंबकीय का पता लगाता है। यह सुरक्षा चौकियों पर लोगों के शरीर में धातु का पता लगाता है। यह सुरक्षा चौकियों पर लोगों के शरीर में जो है ना धातु का पता लगाता है। अब अगला देखते हैं फुल फॉर्म। कहता है RFID का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म जो है सब इंस्पेक्टर 72/2024 में पूछा गया है। देखते हैं क्या होता है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। कहता है यह एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है, यह एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने या मिलान करने की अनुमति देती है, जो किसी वस्तु को ट्रैक करने या व्यक्ति को जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने या मिलान करने की अनुमति देती है। ये पूछा हो गया क्वेश्चन है, ये आप जान लीजिए। इसे एक और इसमें पॉइंट है कि इस सिस्टम के दो बुनियादी भाग हैं, RFID के सिस्टम का दो बुनियादी भाग है, एक है टैग दूसरा है रीडर, एक है टैग और दूसरा रीडर है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, लेकिन ये ना समझें कि अब नहीं पूछ सकता है, ये एग्जाम के लिहाज से ये सब इम्पोर्टेंट जो भी आपको बताया जा रहा है फुल फॉर्म और उसका परिभाषा, आप थोड़ा परिभाषा भी नॉलेज में रखें कि वो हम लोग से ड्यूटी से संबंधित ये चीज है। तो अगला देखते हैं CDR। CDR कहता है कॉल डेटा रिकॉर्ड। कॉल डेटा रिकॉर्ड में कहता है यह एक टेलीफोन एक्सचेंज या अन्य दूरसंचार उपकरण द्वारा निर्मित एक डेटा रिकॉर्ड है जो उस सुविधा या डिवाइस से गुजरने वाले टेलीफोन कॉल या दूरसंचार लेनदेन जैसे टेक्स्ट संदेश जो मैसेज भेजते हैं हम लोग टेक्स्ट मैसेज के विवरण का दस्तावेजीकरण करता है। CDR कहता है यह एक टेलीफोन एक्सचेंज या अन्य दूरसंचार उपकरण द्वारा, टेलीफोन एक्सचेंज या अन्य दूरसंचार उपकरण द्वारा निर्मित एक डेटा रिकॉर्ड है जो उस सुविधा या डिवाइस से गुजरने वाले टेलीफोन कॉल जो फोन किया जाता है टेलीफोन कॉल या अन्य दूरसंचार लेन देन जैसे मैसेज भेजते हैं हम लोग टेक्स्ट मैसेज के विवरण का दस्तावेजीकरण करता है, ये CDR कहता है। अब अगला है DFMD, ये स्टेशनों पे लगा हुआ आप देखे होंगे। कहता है इसका फुल फॉर्म डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर ये भी पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम कई 70 के एग्जाम में, फिर भी आप याद रखना बहुत जरूरी है। कहता है यह एक मेटल डिटेक्टर है, DFMD कहता है यह एक मेटल डिटेक्टर है जो दरवाजे में लगाया जाता है, जो एक दरवाजा ही बना हुआ रहता है उसमें लगाया जाता है ताकि उस धातु का पता लगाया जा सके, उस धातु का पता लगाया जा सके जो इस दरवाजे से गुजरने वाले व्यक्ति के शरीर पर छिपा हो, जो इस दरवाजे से गुजरने वाले व्यक्ति के शरीर में छिपा, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई धातु इसमें छिपा कर अगर ले जा रहा है तो उसमें पता लग जाता है इस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर में, वो आवाज जो है करना शुरू कर देता है अगर कोई मेटल रहता है तो। इसे वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। अगला है FTP। FTP का फुल फॉर्म कहता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहता है यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कहता है यह एक मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइलों को
स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब अगला है टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहता है यह एक मानक है जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क वार्तालाप को, यह एक मानक है जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क वार्तालाप को कैसे स्थापित और बनाए रखा जाए जिसके द्वारा एप्लीकेशन डेटा का आदान प्रदान कर सके, जिसके द्वारा एप्लीकेशन डेटा का आदान प्रदान कर सके। अब और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फुल फॉर्म। अगला फुल फॉर्म है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है, कहता है यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW की नींव है और इसका उपयोग हाइपर टेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेजों को लोड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है, कहता है यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW की नींव है और इसका उपयोग हाइपर टेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेजों को लोड करने के लिए किया जाता है। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसे नेटवर्क वाले उपकरणों के बीच जानकारी स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक की अन्य परतों को शीर्ष पर अन्य परतों के शीर्ष पर चलता है। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये भी जो है आप फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। अगला है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कहता है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या है। ये आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट एक विशेष पहचान संख्या है, आईपी एड्रेस। IPDR का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड। कहता है IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा उपयोग IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा उपयोग या अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग संचालन समर्थन सिस्टम OSS और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSSE द्वारा किया जा सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा उपयोग अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग संचालन समर्थन सिस्टम और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं अगला है SOC का फुल फॉर्म, सिस्टम ऑन ए चिप। कहता है यह एक प्रकार के एकीकृत सर्किट डिजाइन को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कई या सभी उच्च स्तरीय फंक्शन तत्वों को एक चिप पर जोड़ता है। फिर अगला है IPv6, यह सबसे नवीनतम आधुनिक संचार प्रोटोकॉल है। अब ये हम लोग का एकीकृत सुरक्षा प्रणाली एवं आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का संचालन समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।